children, welcome back. I'm Vandana and we are learning Science of Class 4 by Brain Root series and here's a book, Science Spark. Today we are going to start with chapter number 2 and the name of the chapter is Teeth and Digestion. So we are going to learn about different types of teeth here and how the digestion process works. So, these are the topics that we are going to cover in this chapter. We are going to learn about teeth, kinds of teeth, part of a tooth, taking care of teeth, microbes, and the digestive system. So, let's start the chapter with warm-up exercise. Put a tick for what you do and a cross for what you do not. So, इनमें से जो भी चीजें आप करते हैं उसको टिक करना है और जो नहीं करते हैं उसको क्रॉस करना है. सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. क्या आप अपने दांतों को दो बार ब्रश करते हैं? अगर हाँ तो टिक करेंगे, नहीं तो क्रॉस. यूज फ्लॉस बिटवीन द टीथ. आप क्या जो फ्लॉस आता है डेंटल फ्लॉस, क्या उसे अपने टीथ के बीच में यूज करते हैं उसे क्लीन करने के लिए? टू मैनी ईट टू मैनी स्वीट्स. क्या आप बहुत सारे स्वीट्स खाते हैं? विजिट अ डेंटिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ टूथएक. क्या आप डेंटिस्ट से सिर्फ तभी मिलते हैं जब आपको क्या होता है, दांतों में दर्द होता है? Never clean the tongue. कभी भी टंग को क्लीन नहीं करते. So, जो भी चीजें आप करते हैं उस पर टिक लगाना है, जो नहीं करते उसको क्रॉस करना है. So, let's start with the first topic which is teeth. Teeth का मतलब है हमारे जो सुंदर सुंदर दांत हैं. आपके सामने ये है पिक्चर आपके टीथ की. So, teeth are an important part of the body. ये हमारी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? बिकॉज दे हेल्प अस इन बाइटिंग च्यूइंग सो दैट द फूड गेट्स ईजिली डाइजेस्टेड. तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें खाने को बाइट करने में हेल्प करते हैं, उसे चबाने च्यू करने में हेल्प करते हैं ताकि खाना और अच्छे से पच सके. अब अगर मैंने सेब को कट किया है नाइफ से तो मैं उसे ना बाइट कर पाऊँ और ना ही मैं उसे च्यू कर पाऊँ, तो क्या वो सेब मैं खा सकती हूँ? नो. ऐसे ही अगर रोटी को मैं खाना चाहूँ तो वो भी मैं नहीं खा सकती. सो टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक. अब टीथ का एक और काम है, वो हमें बोलने में बात करने में हेल्प करते हैं. टीथ नहीं रहेगी तो हम शायद ठीक से बात ना कर पाए, हमारी आवाज़ क्लियर ना हो पाए. बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ. आपको पता है ना बेबीज बिना दांतों के पैदा होते हैं. टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर. उनके जो मसूड़े हैं उन्हें गम्स कहते हैं. कुछ समय के बाद बेबी के इन मसूड़ों में से दांत निकलना शुरू होते हैं. एट द एज ऑफ अबाउट 3 years 20 टीथ कम अप. जब बच्चा 3 साल का होता है, 3 साल का कोई भी बच्चा है होता है जब, तो उसके मुंह में टोटल 20 टीथ्स आ जाते हैं. जब तक दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड इन अ चाइल्ड इज कॉल्ड मिल्क टीथ. और ये जो 20 सेट ऑफ टीथ हैं इन्हें हम मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत भी कहते हैं. एट द एज ऑफ अबाउट 6 years जब ये बच्चे 6 साल के होते हैं, दीज टीथ स्टार्ट फॉलिंग. ये जो दांत है ना ये धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं, वन बाय वन, एक के बाद एक. स्लोली न्यू वंस टेक देयर प्लेस. और जो दांत गिरते हैं उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं. मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्प्ररी टीथ. ये जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूध के दांत हैं, इन्हें हम टेम्प्ररी टूथ भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए रहते हैं. टेम्प्ररी मीन्स जो कुछ समय के लिए रहे. बिकॉज दे रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहते हैं. द सेकेंड सेट ऑफ टीथ. अब जो इन टेम्प्ररी टीथ की जगह पर नए दांत आते हैं, दे फॉर्म द परमानेंट सेट. इन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज दे रिमेन फॉर होल लाइफ. ये पूरी जिंदगी हमारे पास ही रहते हैं. देर आर यूजली 32 परमानेंट टीथ. हमारे जो माउथ है उसमें टोटल 32 परमानेंट टीथ होते हैं. 16 होते हैं अपर जॉ में एंड 16 होते हैं लोअर जॉ में. तो ये है अपर जॉ, इसमें होते हैं टोटल 16 टीथ
और ये लोअर जॉ, इसमें भी होते हैं टोटल 16 टीथ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे टीथ को जो है अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग नामों से लिखा गया। देखिए आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सिमिलरली 16 टीथ नीचे हैं। तो ये ऊपर वाला जो जॉ है वो अपर जॉ है, नीचे वाला जो है वो लोअर जॉ है। अब आप देख सकते हो कि जो आगे के जो 4 टीथ हैं, इन्हें हम इंसिजर्स कहते हैं। ये जो टीथ है इसे कैनाइन कहते हैं। फिर यहाँ के 2 और यहाँ के 2 प्रीमोलर कहलाते हैं। यहाँ से 3 और यहाँ से 3 क्या कहलाते हैं? मोलर कहलाते हैं। तो टीथ को आप देख सकते हो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सिमिलरली नीचे भी है 4 इंसिजर्स, ये 2 हैं कैनाइन्स, फिर यहाँ पे आते हैं 2 प्रीमोलर्स और बाकी 3 होते हैं हमारे मोलर्स। सो चिल्ड्रेन डू एंड लर्न, फाइंड आउट एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ मिल्क टीथ एंड द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ ईच चाइल्ड इन आवर क्लास हैज। तो आपके क्लास में जो बच्चे हैं आपको उनके परमानेंट और मिल्क टीथ काउंट करने हैं कि हर बच्चे के पास कितने मिल्क टीथ हैं, कितने परमानेंट टीथ हैं। तो चलिए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ टीथ। जैसा कि अभी हमने पिक्चर में देखा कि टीथ को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। लेट्स लर्न अबाउट देम इन डिटेल। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे मुंह में अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप इन नंबर। इनका जो शेप है वो अलग होता है, इनका नंबर भी अलग होता है। द शेप ऑफ अ टूथ इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सो ये जो शेप होता है किसी भी टूथ का, वो उसके फंक्शन से रिलेट करता है। द सेट ऑफ टीथ आर डिवाइडेड इंटू 4 काइंड्स। ये जो टीथ है इन्हें 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। इनके अलग अलग फंक्शन भी हैं, जिस तरीके का टीथ उस तरीके का उसका फंक्शन। सो दीज 4 काइंड ऑफ टीथ आर, ये जो 4 तरीके के टीथ है वो है इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो पहले हम बात करते हैं इंसिजर्स की। इंसिजर्स को हम बाइटिंग और कटिंग टीथ भी कहते हैं। बाइटिंग मीन्स किसी चीज़ को बाइट लेना या फिर कट करना। तो इंसिजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाइटिंग और कटिंग टीथ। सो दे आर द 4 फ्रंट टीथ ऑफ एंड आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। तो इंसिजर्स ऐसे दिखते हैं, ये आगे के 4 टीथ होते हैं ऊपर और नीचे वाले जॉ में, एंड इसे कटिंग या फिर बाइटिंग टीथ कहते हैं। ये फूड को बाइट या फिर कट करने के काम आता है। दे आर 8 इन ऑल, ये पूरे मिला के 4 ऊपर 4 नीचे मींस टोटल 8 होते हैं। हर्बीवोरस हैव शार्प इंसिजर्स। सो जो भी जानवर होते हैं ना हर्बीवोरस, जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, ऐसे जो जानवर होते हैं उनके इंसिजर्स काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं ताकि वो बाइट और कट कर सके लीव्स को, ग्रास को और फ्रूट को। नेक्स्ट कम्स कैनाइंस। कैनाइंस को हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये है रूट पार्ट जो हमारे गम के अंदर होता है, मसूड़ों के अंदर होता है। सिर्फ ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ये हमें दिखाई देता है। सो जो कैनाइंस है उन्हें टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। दे आर 2 इन द अपर जॉ एंड 2 इन द लोअर जॉ। तो मीन्स आपके इंसिजर्स के जस्ट बगल में 2 कैनाइंस होते हैं ऊपर और 2 कैनाइंस होते हैं नीचे। We have one canine on both side of the incisors. Canines are sharp and used for tearing food. ये काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं और ये फूड को टीयर करने के काम आते हैं। Carnivorous have sharp pointed canines. जो carnivorous animals होते हैं ना उनके जो ये canines होते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं। To catch and kill their prey and to tear its meat. अपने prey को पकड़ सके ताकि वो यहाँ से और उसके मीट को टीयर कर सके। सो इसीलिए कैनाइंस को हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। नाउ चिल्ड्रेन लेट्स लर्न अबाउट द 3rd काइंड ऑफ टीथ विच आर कॉल्ड प्रीमोलर्स, जिन्हें हम क्रशिंग टीथ कहते हैं। किसी चीज़ को क्रश करने के काम आते हैं ये। सो दे आर ब्रॉड टीथ, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं नेक्स्ट टू द कैनाइंस। कैनाइंस के जस्ट बगल में होते हैं ये हमारे प्रीमोलर्स। दे आर 4 ऑन ईच जॉ, 4 दोनों ही जॉ में होते हैं, 4 4 दोनों जॉज में होते हैं।
located next to the canines, means two upar dono side mein, two niche dono side mein. Premolars help to crack food and chew it. जैसे कि अखरोट है, अगर उसे आपको तोड़ना होगा तो आप ऐसे तोड़ोगे? नो, आप उसे साइड से तोड़ोगे अपने प्रीमोलर्स से. तो ये क्या करता है, फूड आइटम को क्रैक करने में और उसे च्यू करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट कम्स मोलर्स, जिन्हें हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं. ये क्या करते हैं, फूड आइटम को अच्छे से एकदम ग्राइंड, उसका पेस्ट बना देते हैं. सो ये ऐसे दिखते हैं. दे आर 12 मोलर्स इन ऑल, टोटल मिला के 12 मोलर्स होते हैं. दे आर बिग ब्रॉडर टीथ, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े और चौड़े टीथ होते हैं, विथ अ ब्रॉडर अपर सर्फेस, इनका ऊपर का जो सर्फेस है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है. टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड कम्प्लीटली, ये हेल्प करते हैं फूड को ठीक से च्यू और ग्राइंड करने में. 8 मोलर्स ग्रो फर्स्ट, पहले क्या होते हैं, 8 मोलर्स आते हैं, 2 ऑन ईच साइड ऑफ द प्रीमोलर, प्रीमोलर के बगल में दो दो. 4 मोर मोलर्स ग्रो लेटर, और बाद में 4 मोलर्स और ग्रो होते हैं. चिल्ड्रेन, डू यू नो दैट द टस्क ऑफ एलिफेंट आर एक्चुअली स्पेशल इंसिजर्स दैट कीप ग्रोइंग. आपको पता है जो एलिफेंट की सूंड के पास जो दांत दिखते हैं वो क्या है, वो उसके टस्क हैं, जो अलग तरीके के इंसिजर टीथ हैं और ये लगातार बढ़ते रहते हैं. नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ अ टूथ, टूथ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो आप देख सकते हो आपके पास एक टूथ की पिक्चर बनी हुई दिख रही है आपके सामने. अब इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से पार्ट्स हैं. ये जो हिस्सा है टीथ का जो हमें दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं क्राउन. और जो मसूड़े के अंदर का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं रूट, मीन्स ये वाला हिस्सा है हमारा रूट. अब जो है जो क्राउन है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे हम कहते हैं इनामल. वाइट कलर की जो कवरिंग होती है, हमारे दांत वाइट दिखते हैं ना, किसकी वजह से, इनामल की वजह से. इनामल के नीचे आता है डेंटाइन, ये देख सकते हो आप, दिस इज द डेंटाइन. फिर यहाँ पे ये जो मसूड़े हैं उन्हें गम्स लिखा गया है. पल्प क्या है, डेंटाइन के नीचे होता है. अब आप देख सकते हो ना ये सारे नसें हैं. तो पल्प क्या है, एक तरीके का लिक्विड होता है जिसमें नसें होती हैं. फिर आता है ब्लड वेसल, ब्लड के वेसल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. फिर हैं आपके नर्व्स, मींस नसें. तो ये हैं कुछ पार्ट्स टूथ के, लेट्स लर्न अबाउट देम. सो वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द टीथ दैट इज विजिबल टू अस. तो हमें अपने टीथ का जो पार्ट दिखाई देता है सिर्फ हम वही देख सकते हैं, लेकिन ये टीथ कितना ज़्यादा अंदर तक होता है आप देख सकते हो ना. सिर्फ इतना पार्ट हमें दिखाई देता है, इतना पार्ट नहीं दिखाई देता है. ईच टूथ हैज अ क्राउन एंड अ रूट, हर एक दांत का एक क्राउन होता है और एक रूट पार्ट होता है. द क्राउन पार्ट इज वॉट वी सी, क्राउन पार्ट ही सिर्फ हमें दिखाई देता है. वाइल द रूट पार्ट इज इनसाइड द गम, लेकिन ये जो रूट पार्ट है ये हमेशा मसूड़ों के अंदर होता है. इफ वी कट अ टूथ इन टू हाफ लाइक एन एप्पल, अगर हम एक टूथ को आधा हिस्से में काट देंगे एप्पल की तरह, वी कैन सी द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टूथ, हमें टूथ के अलग अलग पार्ट्स दिखाई देंगे. द हार्ड वाइट पार्ट ऑफ द आउटसाइड इज कॉल्ड द इनामल. सो जो हार्ड वाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई देता है उसे हम इनामल कहते हैं. इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो पता है आपको क्या है, वो है इनामल. बिलो द इनामल लाइज द हार्ड डेंटाइन, इनामल के नीचे होता है डेंटाइन, वो भी काफ़ी हार्ड होता है. डेंटाइन इज लाइक बोन, ये हड्डी की तरह होता है. Inside the dentine is the pulp, और dentine के नीचे होता है pulp. The pulp is very soft and full of nerves and blood vessels. ये काफ़ी soft होता है, इसके अंदर blood vessels होते हैं और nerves means नसें होती हैं. It forms the central chamber to the tooth. ये क्या है, tooth का central chamber की तरह work करता है. Now let's move on to test your skills, children. Write true or false for the following sentences and correct the false statement. So babies are born without teeth.
True. There are usually 28 permanent teeth. False. So how many are there? There are 32 permanent teeth. So similarly, children, do the rest two questions yourself. Next is taking care of teeth. Kaise hume apne teeth ka dhyan rakhna hai? So if once a permanent teeth falls off, agar ek bar aisa hua kuch bhi ki hamara jo permanent teeth hai wo gir gaya, to kya hoga? No new teeth will appear. Uski jagah pe koi naya teeth nahi aayega. In its place, so proper care of teeth is very important. Isliye teeth ka proper care bahut zyada zaruri hai. When you eat, tiny bits of food are left in spaces. Jab hum khana khate hain to chote chote tukde reh jate hain khane ke hamare in daant ke spaces mein, between our teeth, hamare daanton ke beech mein. We need to clean them out. इन छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स हैं, इन्हें क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज जर्म्स में ब्रीड देयर एंड फॉर्म अ स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लेग. नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे जर्म्स इकट्ठा होने लगेंगे और एक येलो कलर का लेयर हमारी दांतों पे चिपक जाएगा, जिसे हम प्लेग कहते हैं. प्रॉपर ब्रशिंग विद अ टूथ ब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर कैन रिमूव दिस प्लेग. अगर हमने प्रॉपरली अपने दांतों को ब्रश किया है टूथ ब्रश से, टूथपेस्ट से और वाटर से, तो ये प्लेग आसानी से हटाया जा सकता है. फॉलो दीज गिवन इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रॉपर केयर ऑफ टीथ. तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उसे ध्यान से हम फॉलो करते हैं ताकि हम अपने दांतों का ध्यान रख सकें. तो क्या क्या करना चाहिए हमें? पहला तो है ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील. हर बार खाना खाएं उसके बाद ब्रश करें. इफ नॉट पॉसिबल देन ब्रश एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. अगर पॉसिबल ना हो तो दिन में दो बार तो ब्रश जरूर करें. एंड रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. और हर मील के बाद, हर खाने के बाद अपने मुंह को कुल्ला करके धोएं. मेक श्योर ब्रश योर टीथ प्रॉपरली एंड इन द राइट मैनर. इस बात का ध्यान रखें कि ब्रश हमें ठीक से करना है. पहले आगे के दांतों को, फिर इधर, फिर नीचे अंदर के दांतों को, फिर ये वाला पोजिशन, फिर नीचे के दांतों को. So correct brushing method is given in front of you. आपको इसे follow करना है. Next is clean your tongue daily with a tongue cleaner. अपने tongue को clean करें tongue cleaner की मदद से. Next is eat lots of fruits and vegetables when which are healthy for your teeth. हमें बहुत सारे fruits और vegetables खाने चाहिए जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. एंड हमारे गम्स के लिए, मसूड़े के लिए भी अच्छे होते हैं. फूड रिच इन कैल्शियम लाइक मिल्क एंड चीज आर गुड फॉर टीथ. हमें तो ऐसा फूड आइटम खाना चाहिए जो कैल्शियम में भरपूर है, जैसे कि मिल्क और चीज. नेक्स्ट, डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स. बहुत सारी मिठाइयाँ ना खाएं, चॉकलेट ना खाएं एंड अवॉइड करें बहुत सारे स्वीट ड्रिंक्स को पीना. सो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए. नेक्स्ट, विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप. डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाएं, चेकअप कराएं. ईट फाइबरस फूड. फाइबर से भरपूर फ्रूट फूड आइटम्स को खाएं. इट हेल्प्स टू एक्सरसाइज योर टीथ एंड गम्स. आपके दांतों की, आपके गम्स की को एक्सरसाइज करने में हेल्प करते हैं ये फाइबरस फूड आइटम्स. नेक्स्ट इज कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रांग टीथ. अगर हमें मजबूत दांत चाहिए तो हमें क्या खाना होगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम खाना होगा. वी गेट इट मेनली फ्रॉम मिल्क. हमें वो ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है. चीज़ एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल्सो गिव कैल्शियम. तो जो चीज़ होता है या दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमें कैल्शियम देते हैं. ईटिंग सैलड्स गिव गुड एक्सरसाइज टू टीथ. अगर हम सैलड खाते तो हमारे टीथ की अच्छी एक्सरसाइज होती है. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो टू द गम्स. हमारे जो गम्स में हैं उसमें जो ब्लड फ्लो है उसे ये बढ़ाता है. सिंस इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ च्यूइंग. क्योंकि ये जो कच्चे फूड आइटम्स हैं इन्हें चबाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. इसलिए क्या है, ये हमारे फूड में, हमारे बॉडी में, हमारे जो माउथ है उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर मिल्क प्रोडक्ट्स की.
Now children, do you know that cavities are caused not only by eating sweets? आपको पता है कि जो cavity हो जाती है ना, कभी कभी हमारे दांत सड़ जाते हैं, वो सिर्फ मीठा खाने से नहीं होते. It can be caused by any food particle getting stuck between the teeth after eating. तो ये कब हो सकता है? ये तब भी हो सकता है अगर कोई खाने का आइटम हमारे दांतों में चिपक गया है खाना खाने के बाद. तो इसलिए properly clean your teeth. Now children, do you know that neem twigs have been traditionally used in India to brush teeth? क्या आपको पता है कि जो नीम की जो लकड़ी होती है उससे जो है लोग यूज़ करते हैं काफ़ी लंबे समय से अपने दांतों को क्लीन करने के लिए. नीम हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. नीम में जो है क्या होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जर्म से फाइट करने में. सो दीज आर अमेजिंग फैक्ट्स. Now let's learn about microbes. If cleaning of teeth is not done properly, अगर हमने अपने दांतों की सफाई ठीक से नहीं की, germs grow in the mouth. हमारे माउथ में germs grow करने लगते हैं. These tiny creatures are called microbes or microorganisms. इन छोटे छोटे creatures को हम या तो microbes या फिर microorganisms कहते हैं. It can only be seen under the microscope. और इसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है. माइक्रोब्स आर ऑफ मेनली फोर टाइप्स. ये चार तरीके के होते हैं. पहले है बैक्टीरिया. सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्पाइरल, राउंड और रॉड शेप. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पाइरल शेप होते हैं, राउंड शेप होते हैं, या फिर रॉड शेप के होते हैं. एंड दे आर ऑफ मेनी टाइप्स एंड कॉज डिजीजेज लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलेरा. सो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये सारी बीमारियों को पैदा करते हैं. नेक्स्ट कम्स प्रोटोजोआ. सो दीज आर बिग देन बैक्टीरिया. ये जो है प्रोटोजोआ जो होते हैं बैक्टीरिया से बड़े होते हैं. एंड दीज कैन कॉज डिजीजेज लाइक फूड पॉइजनिंग. ये फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियों को पैदा करते हैं. ये देख सकते हो आप पिक्चर प्रोटोजोआ की. नेक्स्ट कम्स फंगी. दीज ग्रो ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कैन कॉज डिजीजेज लाइक रिंग वर्म एंड एथलीट फूट. ये क्या है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं और बीमारियां जैसे कि रिंग वर्म हो गया या फिर एथलीट फूट, ऐसी बीमारियों को पैदा करते हैं. फिर आते हैं वायरस. वायरस क्या है, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये काफ़ी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दीज कॉज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो. तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये वायरस अटैक्स होता है. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दीज माइक्रोब्स. नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. द बॉडी ऑफ आवर्स इज लाइक अ मशीन. हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है. ऑल द फूड दैट इज ईटन गोज थ्रू द फूड कैनल एंड गेट डाउन ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी. तो जो भी हम खाना खाते हैं वो फूड कैनल से गुजरता हुआ जाता है नीचे की तरफ और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है जो हमें एनर्जी देता है. विच कैन बी यूज बाय द बॉडी. जो बॉडी यूज कर सकती है. द फूड दैट वी ईट इज अ कॉम्प्लेक्स, इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. जो भी खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. दिस प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीसेस सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. और ये जो प्रोसेस है जिसमें खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है, इस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है. एंड द पाथ दैट द फूड टेक्स. और जो रास्ता फूड लेता है फ्रॉम द माउथ टू इट्स एक्सक्रीशन पॉइंट, मुंह से एक्सक्रीशन पॉइंट तक, फ्रॉम द फूड कैनल फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ये जो रास्ता है इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत सारे ऑर्गन्स से मिल के बना है. दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. जो डाइजेशन की प्रोसेस को ईजिली कैरी ऑन करते हैं. लेट्स सी हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. तो चलिए देखते हैं कैसे डाइजेशन हमारी बॉडी में काम करता है. सो बिफोर दैट लेट्स नो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट हियर. सो चिल्ड्रन, डू यू नो दैट मसल्स इन द फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पुश फूड टूवर्ड्स स्टमक. तो क्या आपको पता है कि जो मसल्स होते हैं हमारे फूड पाइप में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं,
पुश करते हैं, फूड को नीचे की तरफ ढकेलते रहते हैं स्टमक की तरफ. दिस प्रोसेस इज समवॉट सिमिलर टू स्क्वीजिंग टूथपेस्ट आउट ऑफ अ ट्यूब. ये तरीका उससे आप कंपेयर कर सकते हो. किससे? एक टूथपेस्ट ट्यूब से कंपेयर कर. जैसे हमें जो है टूथपेस्ट को बाहर निकालना होता है, हम क्या करते हैं, उसे स्क्वीज करते हैं. सो वैसे ही हमारे जो फूड पाइप में जो मसल्स हैं वो हमारे फूड कंटेंट को नीचे की तरफ ढकेलते हैं ताकि वो स्टमक तक जा सके. नाउ द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. सो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है. द फूड इज ग्राइंड इन टू स्मॉल पीसेज. यहाँ पे फूड को दांत क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में ग्राइंड कर देते हैं एंड मिक्स विद द सलाइवा इन द माउथ. और मुंह में जो थूक होता है उसके साथ मिक्स करके हमारे फूड पाइप तक पहुँचाते हैं. सलाइवा इज अ वाटरी टेस्टलेस लिक्विड प्रेजेंट इन द माउथ. सलाइवा एक पानी जैसा टेस्टलेस लिक्विड है जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है. मीन्स हमारे थूक की बात हो रही है यहाँ पे. इट इज़ अ डाइजेस्टिव जूस विथ हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये एक डाइजेस्टिव जूस है जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में. वेन वी सॉलो फूड इट गोज टू द फूड पाइप. जब भी हम खाने को क्या करते हैं, गटकते हैं, तो ये खाना हमारे फूड पाइप में पहुँच जाता है. द फूड पाइप ओपन्स इन टू द स्टमक. ये फूड पाइप हमारे स्टमक में आप यहाँ पे आके जो है खुलता है. फूड इन द स्टमक रिमेन्स फॉर 3 to 4 hours. ये जो खाना है हमारे पेट में 3 to 4 hours तक रहता है. आवर स्टमक इज अ हॉलो बैग ऑफ मसल्स. ये जो हमारा स्टमक है ये बड़ा सा खाली बैग है मसल से बना हुआ. द फूड इज चर्न इन दिस मस्कुलर बैग. ये जो फूड है इसे जो है चर्न किया जाता है इस बैग के अंदर. द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इन टू सिंपलर फॉर्म. अब हमारे पेट में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करते हैं, इस खाने के साथ मिलते हैं, प्रोटीन वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स होता है और फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में सिंपलर फॉर्म में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है. फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब. स्टमक से जो ये खाना है वो बड़े से लॉन्ग ट्यूब कॉइल जैसे ट्यूब में चला जाता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में द इनसाइड वॉल ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस दैट मिक्सेस विद द फूड. अब इस इंटेस्टाइन में आपको एक जूस बनता है जो खाने के साथ मिल जाता है. द लिवर एंड द पैंक्रियास ऑल्सो पोर देयर जूसेस. अब जो हमारा लिवर होता है, जो हमारा पैंक्रियास होता है, वो क्या करते हैं अपना, वो भी अपना जो जूस प्रोड्यूस करते हैं उसे इसमें डाल देते हैं. दीज जूसेस हेल्प टू डाइजेस्ट फूड कम्प्लीटली. ये जूसेस क्या करते हैं, फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड. अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये लिक्विड जैसा हो जाता है. द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. अब जो ब्लड वेसल्स होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस लिक्विड को अब्सॉर्ब करने लगते हैं. द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. वो डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करते हैं एंड कैरी इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और उस डाइजेस्टेड फूड को जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक ले जाते हैं. द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है. सो इट पासेज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर. ये जो ब्लड वेसल है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है. द सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास आउट थ्रू द एनस. और ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट है ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से. सो ये पूरा प्रोसेस था डाइजेशन का. टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली यू मस्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस. अब हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो प्रॉपरली फंक्शन करे, अगर आप ये चाहते हो तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना होगा. पहला क्या है, अवॉइड सॉलोइंग फूड विदाउट च्यूइंग. खाने को बिना चबाए नहीं गटकना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. ईट अ बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए.
एट फूड एट रेगुलर इंटरवल, थोड़े थोड़े देर में खाना खाना चाहिए. ईट क्लीन एंड वेल कुक्ड फूड, हमें जो खाना खाना है उसे साफ़ होना चाहिए और काफ़ी अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, अपने हाथ को खाना खाने से पहले और बाद में दोनों टाइम धोएं. टू अवॉइड जर्म्स, जर्म्स को अवॉइड करने के लिए. रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स, अपने मुंह को अच्छे से वॉश करें खाना खाने के बाद. च्यू योर फूड प्रॉपरली, अपने खाने को अच्छे से चबा के खाएं. द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन द माउथ इटसेल्फ, जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो मुँह में ही शुरू होता है. That is why you find that the taste of food items like rice, bread, etc. changes after you start chewing them. तो आप देखते होंगे कि जो कुछ food items हैं वो कुछ समय के बाद वो उनका taste जो है chew करने के बाद उनका taste change हो जाता है. They start tasting sweet, वो मीठे लगने लगते हैं. When the food is not chewed well, अगर खाने को ठीक से नहीं चबाया गया, and it is not properly broken down into smaller pieces, और अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूटे, then incomplete digestion takes place. तो क्या होगा, जो digestion है वो incomplete रह जाता है. Due to this, the nutrients are not properly digested, और इस तरीके से जो nutrients हैं ठीक से digest नहीं होते एंड अब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी, और ठीक से बॉडी से अब्सॉर्ब नहीं कर पाती. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. कंप्लीट द टेबल हियर. माइक्रोब्स आर गिवन लाइक वायरसेस, फंगी, बैक्टीरिया एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम. कौन कौन से डिजीजेस है, दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ. सो डू इट योर सेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैश बैक पॉइंट्स टू रिमेंबर. So their teeth help us in biting and chewing food. Teeth are of four kind: incisors, canines, premolars, and molars. Each teeth has a crown and root. We should brush our teeth after every meal. Digestion is a process by which food is broken into smaller pieces so that it can be absorbed by the body. So these were the important points to remember, children. Now let's move on to new words. So here the first word is incisors. So incisors are teeth used for cutting. Canines are used for tearing food. Premolars are teeth used for cracking and grinding. Molars are used for chewing and grinding food. And digestion is breaking down of food into simple form to release nutrients. So these are the new words that you have learned in this chapter. Now let's move on to book exercise. And here comes question A, which is take the correct option. The visible part of the tooth is, the tooth ka jo visible part hai use kya kehte hain, root, pulp, dentino, crown. So it is called crown. Now second one, teeth help in three of the following. सो जो टीथ है तीन चीज़ों में हेल्प करता है. एक चीज़ इसमें गलत लिखी है, क्या है वो गलत चीज़, क्या टीथ सॉलो करने में हेल्प करता है, च्यू करने में, ग्राइंड करने में, या फिर स्पीक करने में. सो टीथ हमें हेल्प करता है च्यू, ग्राइंड और स्पीक करने में, सॉलो करने में हेल्प नहीं करता है. तो हमें इसे चेक करना है. सो लाइक दिस चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर गिवन हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू fill in the blanks. Teeth are of four kinds. Teeth चार तरीके के होते हैं. कौन कौन से हैं ये? ये हैं incisors, canines, premolars and molars. So these are the four kinds of teeth. The visible white part of the teeth is called the, जो visible white part होता है उसे क्या कहते हैं? Crown. Each tooth has a dash hidden in the gum. So हर teeth का कौन सा part है जो gums के अंदर छुपा हुआ होता है? Now do it yourself. All the food that we eat goes through our dash canal, so it's
food canal. So what you have to do, children, you have to do question number 3 and 5 yourself. Now let's move on to C part, which is right, true or false for the following statements. So there are 6 type of permanent teeth. False. There are 4 types of permanent teeth. Temporary teeth fall easily. Yes, true. Dentine is the hardest substance. Is it true or false? So it is false. So the hardest substance is the enamel. So like this, children, you have to do question number 4 and 5 yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. So how many teeth do each of the 2 sets of teeth have? So incisors, four on each jaw. Next comes canines, 2 on each jaw. Next comes premolars, 4 on each jaw. And then comes molar. These are 12, total 12 in number, means 6 on the upper jaw and 6 on the lower jaw. Now, which are the teeth that help us to chew and grind food? So, कौन से teeth हैं जो हमें help करते हैं food को chew और grind करने में? So, these are molars. So, molars help to chew and grind food. Now, write 5 points on how we can look after our teeth. Teeth का कैसे ध्यान रखना है? So, brush your teeth daily twice. Visit dentist regularly. Clear your teeth with dental floss. And rinse your teeth after mouth after eating. Also, you can add one more point here. And these 5 points will be completed. So, children, do question number 4 and 5 yourself. With this, children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. You have learned how to take care of our teeth and the different types of teeth. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.